हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने स्टेटर का कंस्ट्रक्शन देख लिया था। आज हम लोग रोटर का कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं। सो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो है हमारा रोटर कंस्ट्रक्शन के ऊपर। हमारे पास दो टाइप की रोटर है, एक है आपकी सेलियंट पोल रोटर और दूसरी है आपकी नॉन सेलियंट पोल रोटर। तो सेलियंट पोल रोटर आपकी है क्या, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। मैं यहां पे आपको टाइटल मार देता हूं, रोटर कंस्ट्रक्शन। टू टाइप्स ऑफ रोटर, फर्स्ट वन इज सेलियंट पोल एंड अदर वन इज नॉन सेलियंट पोल। ये दोनों टाइप की रोटर कंस्ट्रक्शन हमारे आती है। नाउ रोटेटिंग पार्ट जो होता है मशीन का, उसको हम लोग रोटर कहते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। और दो टाइप मैंने आपको रोटर के यहां पे बता दिए हैं सिंक्रोनस मशीन के लिए, नॉन सेलियंट पोल और सेलियंट पोल। यहां पे सेलियंट पोल जो वर्ड है आपका, सबसे पहला वो आपका क्या टर्म करता है, सेलियंट पोल का मतलब होता है, सेलियंट का मतलब सबसे पहले तो होता है प्रोजेक्टिंग, यानी कि जो सेलियंट पोल जो होती है उसकी जो रोटर होती है वो हमारी, उसका जो पोल है उसको प्रोजेक्ट करता है, मतलब रोटर कोर पे प्रोजेक्ट करता है। देखिए मैं आपको पूरा फिगर में आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए ये जो उसकी रोटर है, ठीक है, ये रोटर आपका जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये एक प्रोजेक्ट करता है रोटर के ऊपर, प्रोजेक्शन देता है, सिंपल, ओके। तो इस तरीके से आपको फिजिकली सेलियंट पोल रोटर आपको देखने को मिल सकती है। ये जो सारी फिगर्स है, ये सारी आपकी सेलियंट पोल रोटर की फिगर्स है। ये वाली जो मैंने लास्ट में आपको डिनोट करी है, ये वाली वो है आपकी सेलियंट पोल अल्टरनेटर की रोटर की फिगर है, ठीक है। तो रोटर जो है वो रोटर आपको यहाँ पे देखिए, उसका आपको व्यू देखने को मिलेगा। सिक्स पोल की सेलियंट पोल रोटर है, जिसमें आपका फील्ड वाइंडिंग आता है, पोल बॉडी आ जाती है, रिवेट आ जाते हैं, पोल फेस आ जाते हैं, डैम्पर बार्स आते हैं और स्टील स्पाइडर आ जाते हैं, और इसके अलावा शाफ्ट आ जाती है, ठीक है। तो रोटर जो होता है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहां से बनता है। सो यहां से जो स्टील लेमिनेशन आती है आपकी, मतलब ये जो आपका बॉडी बनती है आपकी रोटर की, वो आपकी स्टील लेमिनेशन की बनाई जाती है। क्यों स्टील लेमिनेशन की बनाई जाती है, ताकि एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस किया जा सके, और पोल जो होते हैं उसके जो आइडेंटिकल डायमेंशन होते हैं, ये हमें स्टैकिंग करना पड़ता है, मतलब लेमिनेशन, ये जो हमने बार बनाए देख रहे हो आप, ये बार्स जो है वो आपके स्टैकिंग करने पड़ते हैं, स्टैकिंग थ्रू बनता है, ठीक है। और जो नॉन जो सेलियंट पोल होता है सिंक्रोनस मशीन, उसमें हमारा जो रोटर और स्टेटर के बीच में जो एयर गैप है वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों, देख लीजिए आप, यहाँ पे जो सेलियंट पोल है आपका, यहाँ पे ज्यादा गैप है, तो अगर यहाँ पे रोटर होगा तो यहाँ पे कम गैप होगा, और यहाँ अगर रोटर होगा तो यहाँ पे आपका एयर गैप ज्यादा होगा, इसलिए, ठीक है। तो ये जो एयर गैप है आपका, एयर गैप है जो आपका, उसको हम लोग मिनिमाइज करते हैं अंडर द पोल सेंटर एंड इट इज मैक्सिमम बिटवीन द पोल्स, ओके। और जो सेलियंट पोल होते हैं, सेलियंट पोल की जो रोटर होती है वो कैसे मशीन के लिए यूज होती है, मीडियम और लो स्पीड के मशीन के लिए यूज होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोल्स है वो लार्जर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 पोल की आपकी मशीन है, ऐसे आपकी 8 पोल की मशीन भी आपको अवेलेबल होती है, ऐसे ही आपको 4 पोल भी मशीन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जो सेलियंट पोल होते हैं, ये इनका जो डायमीटर होता है, यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर जो है वो बहुत ही बड़ा है, इसीलिए आपको रोटर जो है आपको बड़ी देखने को मिलेगी। देख लीजिए आप थर्ड फिगर में, आपको यहाँ दिख रहा होगा पूरा कि आपकी जो रोटर की जो साइज है वो देखिए कितनी बड़ी है, ठीक है।
नाउ दूसरी बात करते हैं हम लोग नॉन सेलियंट पोल रोटर की। तो इस टाइप की जो रोटर होती है, जैसे आपका सेलियंट पोल में होता है वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, सेलियंट पोल रोटर में हमारे यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट पोल के प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं, पोल जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन जो पोल है वो क्यों बनाए जाते हैं, पोल्स आर फॉर्म बाय द करंट फ्लोइंग थ्रू द रोटर एक्साइटिंग वाइंडिंग। सिलिंड्रिकल जो रोटर्स होती है, आर ये जो सिलिंड्रिकल रोटर्स होती है ये यूजुअली आपकी सॉलिड फॉरेन ऑफ हाई ग्रेड निकल की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ, ये काय की बनी होती है, तो देखिए ये आपकी बनी होती है मेड फ्रॉम काय की बनी होती है, ये बनी होती है सॉलिड फॉर्गिंग्स ऑफ हाई ग्रेड निकल क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील। इसका कंस्ट्रक्शन किससे बना होता है, हाई ग्रेड निकल क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, कौन सी नॉन सेलियंट पोल रोटर की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो रोटर होती है वो कंपैरेटिवली स्मॉल होती है, लेकिन इसका जो डायमीटर होता है वो भी स्मॉल होता है और एक्सियल लेंथ इसकी लॉन्ग होती है। देख लीजिए आप ये फिगर में, आपको इसकी एक्सियल लेंथ आपको लॉन्ग देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देख लीजिए उसका साइड व्यू देख लीजिए, ये जो एक्सियल लेंथ है उसकी वो आपके लॉन्ग देखने को मिलेगी, लेकिन जो उसका एंड व्यू है यहां से आपको अगर सेलियंट पोल के कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंपेयर करें दोनों को, तो वो डायमीटर थोड़ा सा स्मॉल रहेगा। नॉन सेलियंट पोल की जो रोटर होती है ये यूजुअली हम लोग हाई स्पीड मशीन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रोटर है आपकी उसको हम लोग सिलिंड्रिकल रोटर भी कह सकते हैं। ये आपकी एक टाइप की सिलिंड्रिकल रोटर ही है, जैसे हमने मशीन में पढ़ा था वैसे यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में भी आपकी ये जो मशीन है, मतलब नॉन सिलियंट पोल की जो रोटर है वो आपकी क्या है, एक तरीके से सिलिंड्रिकल रोटर है। तो ये जो सिलिंड्रिकल रोटर है इसमें आपकी दो या फिर चार पोल की रोटर होती है। देख लीजिए आपको यहाँ पे फिगर में चार पोल आपको दिख रहे होंगे, ये एक पोल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चार पोल की आपकी मशीन है, जनरली दो या चार पोल की होती है। ठीक है, और अगर हमको ये जो कंस्ट्रक्शन है आपका, इस टाइप का कंस्ट्रक्शन, नॉन सेलियंट पोल टाइप का कंस्ट्रक्शन, आपको क्या कहता है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मोर एक्यूरेट डायनेमिक बैलेंसिंग, ये चीज आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, और यहां पे जो आपका एयर गैप है नॉन सेलियंट पोल में, जो आपका एयर गैप रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा। ठीक है, और आपकी जो मशीन है उसमें, जैसे सिलिंड्रिकल रोटर्स होते हैं ये आपकी स्टीम और गैस टर्बाइन में आप लोग यूज करते हैं। ओके, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है आपका, इस टाइप की रोटर के साथ मशीन का जो ऑपरेशन है वो थोड़ा लेस नॉइसी होता है कंपेयर टू सेलियंट पोल मशीन्स। ठीक है, और ये अगर रेट नॉन सेलियंट पोल वाली जो मशीन्स है आपकी सिंक्रोनस मशीन, उसकी रेटिंग की बात करें तो रेटिंग आपकी कितने से कितने तक की हो सकती है, 10 MVA से लेके 1500 MVA तक की आपकी रेटिंग हो सकती है। और इंडिया में सबसे बड़ी जो यूज हो रही है नॉन सेलियंट पोल वाली सिंक्रोनस मशीन वो है हमारी 500 MVA की, जो हमारी सुपर थर्मल पावर प्लांट में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल जो रोटर होते हैं आपका, मतलब जो हमने ये नॉन सेलियंट पोल जो रोटर होती है आपकी, इसके और भी पार्ट्स होते हैं, और भी कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहला कंपोनेंट है आपका रोटर कोर। नॉन सेलियंट पोल मशीन हैव अदर डिफरेंट पार्ट्स, कौन कौन से हो सकते हैं, सबसे पहला आपका होता है रोटर कोर भी हो सकता है, रोटर कोर, सेकंड है उसका रोटर वाइंडिंग जिसको हम लोग एक्साइटिंग वाइंडिंग कहते हैं,
थर्ड है उसका रोटर पोल, मतलब पोल कोर या फिर एंड पोल शू। देन चौथा है उसका स्पाइडर। देन फिफ्थ है फील्ड वाइंडिंग। ओके, जिसको हम लोग एक्साइटिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। देन सिक्स्थ है डैम्पर वाइंडिंग, और सातवां है रिंग्स। ये हमारे नॉन सेलिएंट पोल की जो रोटर होती है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो जैसे रोटर कोर की बात करूं मैं, तो ये जो रोटर कोर है आपका, ये आपका किससे बना होता है? सिलिकॉन स्टील की स्टैम्पिंग से बना होता है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ये आपकी कुछ रोटर है। कौन सी रोटर है? सिलिंड्रिकल रोटर है। ओके, इसको सिलिंड्रिकल रोटर कहते हैं। यहाँ पे ये देखिए, एक सेलियंट पोल है यहाँ पे, एक दो तीन और एक चौथा उधर साइड, ऐसे चार पोल्स हैं इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले रोटर कोर की अगर मैं बात करूं, तो देखिए रोटर कोर जो होता है आपका, वो रोटर कोर आपका सिलिकॉन स्टील की स्टैम्पिंग से बना होता है। रोटर कोर, द रोटर कोर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग, उसका बना होता है। और ये जो रोटर कोर है उसको हम लोग शाफ्ट के ऊपर रखते हैं, और जो आउटर पेरिफेरी होती है स्लॉट्स, उस वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्लॉट्स को कट करते हैं, जहां पे हम लोग एक्साइटिंग कॉइल या फिर हम लोग कह सकते हैं कि फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, फील्ड वाइंडिंग या फिर रोटर वाइंडिंग हम लोग वहां पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिखूं, द रोटर कोर इज प्लेस्ड ऑन द शाफ्ट एट द आउटर पेरिफरी, स्लॉट्स आर कट इन विच एग्जाइटिंग कॉइल्स आर प्लेस्ड। ओके, दूसरा पार्ट था हमारा रोटर वाइंडिंग का, जो हमारी एक्साइटिंग माफ कीजिएगा एक्साइटिंग वाइंडिंग है। तो ये जो है एक्साइटिंग वाइंडिंग जो है वो हम लोग रोटर स्लॉट पे लिखते हैं, और यहां से आपका करंट पास होता है वाइंडिंग में, ताकि ताकि क्या हो, जो आपका रोटर कोर है वहां पे आपका एक पोल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल जनरेट हो वहां पे। ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नाउ थर्ड वन इज, मैं यहां पे आपको लिख सकता हूं, इट इज प्लेस्ड ऑन दी रोटर स्लॉट एंड द करंट इज पास थ्रू द वाइंडिंग। ओके, देन थर्ड वन इज पोल कोर एंड पोल शू। पोल कोर एंड पोल शू। ओके, तो पोल कोर जो होता है आपका, वो आपका लेमिनेटेड शीट स्टील मटेरियल का बना हुआ होता है, और पोल कोर प्रोवाइड्स द एटलीस्ट लेस रिलक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। और पोल शू जो होता है, वो जो हमारी फील्ड जो जनरेट हुई होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है होल पेरेफरी में यूनिफॉर्मली। ठीक है, देखिए कैसा होता है आपका, ये आपकी अगर, हाँ ये अगर आपका पोल कोर है, तो ये आपका क्या है, पोल शू है, कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा।
यहाँ पे आपका पोल कोर की वाइंडिंग आती है, और यहाँ पे ये जो पोल शू है, ये देख रहे हैं आप, ये जूते जैसा आपको दिख रहा होगा, ये आपका पोल शू है, पोल शू। और यहाँ पे आपकी डैम्पर वाइंडिंग आती है ऊपर की साइड। फिगर में आपको अभी बताऊंगा। ओके, तो ये जो पोल कोर होते हैं, वो पोल कोर होते हैं, इट इज मेड ऑफ, फिगर में मिटा रहा हूं, इट इज मेड ऑफ लेमिनेटेड शीट स्टील मटेरियल। ओके, और जो पोल कोर होता है आपका, पोल कोर प्रोवाइड्स द लीस्ट रिलक्टेंस पाथ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। एंड ये जो पोल शू है, ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स द फील्ड ओवर द होल पेरिफेरी यूनिफॉर्मली टू प्रोड्यूस सिनुसॉइडल वेव। ओके, देन चौथा हमने पार्ट क्या पढ़ा था, फोर्थ पार्ट था हमारा स्पाइडर। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में फिगर दिखाई थी, तो उसमें आपका एक स्पाइडर नाम की एक जगह थी, मतलब जहां से देखिए, अगर ये आपका पोल है, मान लीजिए कि आपका ये पोल है, ठीक है, तो यहां पे कुछ आपका कुछ ऐसा पार्ट था, ठीक है, यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ आपका पार्ट था, तो ये वाला जो पार्ट है, ये आपका क्या है, स्पाइडर है, ठीक है। तो स्पाइडर है क्या, और ये मतलब किस वजह से बनाया जाता है और किस मटेरियल से बनाया जाता है, तो स्पाइडर जो होता है वो आपका कास्ट आयरन का बनाया जाता है, इट इज मेड ऑफ कास्ट आयरन to provide an easy path for the magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ देने के लिए, ईजी पाथ देने के लिए हम लोग स्पाइडर का यूज करते हैं, ठीक है। और ये जो है स्पाइडर आपका, ये आपका शाफ्ट पे की किया जाता है, आउटर सर्फेस पे, जो शाफ्ट होती है उसकी आउटर सर्फेस पे हमको उसे की करना पड़ता है। पोल कोर और पोल शू जो होते हैं, वो भी हमारा इसी स्पाइडर के अंदर की किया जाता है, की का मतलब है वहां पे लॉक किया जाता है उसे, ठीक है। फिफ्थ था हमारा फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग जो होता है, इसको हम लोग पोल कोर के अराउंड प्लेस करते हैं, और यहां पे हम लोग इसे डीसी सप्लाई देते हैं थ्रू दी स्लिप रिंग। जब आप फील्ड वाइंडिंग में डीसी सप्लाई देंगे, डीसी करंट देंगे, तो आपकी फील्ड वाइंड रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगी, ठीक है। इसीलिए आपको सिंक्रोनस मशीन होती है जब, ठीक है, सिंक्रोनस मशीन को आपको बाहर से एक डीसी सप्लाई सोर्स देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए हमें फील्ड वाइंडिंग में करंट देना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग आपका जो है वो एज एन एक्साइटिंग, मतलब सामने एक्साइट करती है, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, इसीलिए हम इसे एक्साइटिंग वाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग का मैं लिख सकता हूं यहां पे, इट इज वाउंड ऑन द फॉर्मर एंड देन प्लेस्ड अराउंड द पोल कोर, अराउंड दी पोल कोर। ओके, और डीसी सप्लाई इज
गिवन टू इट थ्रू द स्लिप रिंग, थ्रू स्लिप रिंग्स. ओके, व्हेन डीसी सप्लाई और डीसी करंट, व्हेन वी से डीसी करंट फ्लो, डीसी सप्लाई फ्लो थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, इट प्रोड्यूसेस द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड, द रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी फील्ड वाइंडिंग की. अब बात करते हैं हम लोग डैम्पर वाइंडिंग की. ओ सिक्स नंबर, माय मिस्टेक, सिक्स नंबर डैम्पर वाइंडिंग. मैंने आपको बताया था कि जो डैम्पर वाइंडिंग होती है आपकी, ये डैम्पर वाइंडिंग आपके शू जो होता है आपका पोल शू, ये आपका पोल शू है, तो यहां पे आपकी होल करके आपको यहां पे डैम्पर वाइंडिंग करनी पड़ती है. ठीक है, इसको हम लोग डैम्पर वाइंडिंग कहते हैं. तो ये जो डैम्पर वाइंडिंग होती है ये एक्चुअली में आपके कॉपर बार्स होते हैं, जो हम लोग यहाँ पे ये जो होल किया था हमने पोल शू में, वहां पे हम लोग उसे डालते हैं और वहां उसके हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं बाय द बोथ साइड. ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं डैम्पर वाइंडिंग की एक तरीके से रिंग बना देते हैं. ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एट आउटर मोस्ट पेरिफेरी होल्स आर प्रोवाइडेड इन विच कॉपर बार्स आर इंसर्टेड एंड शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ एंड्स और बोथ साइड्स बाय रिंग. ओके, फॉर्मिंग डैम्पर वाइंडिंग. ओके, नाउ लास्ट पार्ट है हमारा रिंग्स वाला. तो रिंग्स क्या है? तो स्लिप रिंग जो होती है आपकी, वो हमको हमको डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. सो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, स्लिप रिंग्स प्रोवाइड्स डीसी सप्लाई टू दी रोटर वाइंडिंग. ओके, तो इसी के साथ जो हमारा ये जो रोटर का पार्ट, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था, वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है. आज हमने रोटर कंस्ट्रक्शन में दो पार्ट देखे, एक सेलियंट पोल रोटर और दूसरा नॉन सेलियंट पोल रोटर. सेलियंट पोल क्यों कहा जाता है? सेलियंट का मतलब होता है आपका प्रोजेक्टिंग. इसका मतलब जो पोल रोटर के जो पोल्स होते हैं, वो पोल्स को प्रोजेक्ट किया जाता है आउट ऑफ द सर्फेस फ्रॉम द रोटर कोर. रोटर कोर से बाहर की तरफ हमें उसको क्या करना पड़ता है, प्रोजेक्ट करना पड़ता है. तो ऐसे सेलियंट पोल रोटर बनती है. और जो सेलियंट पोल रोटर होती है वो हमारी मीडियम और लो स्पीड के मशीन के लिए यूज होते हैं. ठीक है, और इसके अलावा जनरली हमारी सिक्स पोल की सेलियंट पोल रोटर जो होती है वो हमारी मार्केट में देखने को मिलती है, समझ गए. और नॉन सेलियंट पोल भी देखा हमने. तो नॉन सेलियंट पोल की जो रोटर होती है, इसमें हमारे कोई प्रोजेक्टेड पोल्स नहीं होते, लेकिन ये पोल्स जरूर होते हैं. लेकिन ये पोल्स में क्या होता है, पोल्स में आपके क्या होते हैं कि उसे हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं पोल्स के अंदर थ्रू दी फील्ड वाइंडिंग. और वहां से हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो स्टेटर वाला पार्ट है उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम करते हैं. और इसके अलावा नॉन सेलियंट पोल के हमने पार्ट्स भी देख लिए.
रोटर कोर देख लिया, रोटर वाइंडिंग देख लिया हमने, पोल कोर भी देख लिया, पोल शू भी देख लिया, स्पाइडर किसे कहते हैं वो देख लिया, फील्ड वाइंडिंग किसे कहा जाता है, डैम्पर वाइंडिंग किसे कहते हैं, और लास्ट में हमने रिंग्स के बारे में जानकारी ली। ठीक है, तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन की जो रोटर वाला पार्ट है वो। इसके अलावा भी मशीन में और भी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका ब्रश हो गया, बेयरिंग्स हो गई, शाफ्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन जय हिंद। We'll be right back.